ओमवीर जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम जी को भी नमस्कार। जय हिंद। ओमवीर जी स्वागत आपका। जी मेरे पैर में चोट लगी थी 7 महीने पहले, इससे पैर की जो सामने की हड्डी है इसमें, और वो ठीक नस पे लगी। नस लगते के साथ ही उंगली जैसी मोटी हो गई थी, और रात रात में वो सामान्य हो गई। अब मैं जब अगले दिन पैदल चलना पड़ गया मुझे, तो मेरा पैर सूज गया। मैंने वो सिकाई वगैरह करी, सब तरह की दवाई वगैरह लगा के, तो उससे उतर जाती है। अब मैं जब भी पैदल चलता हूँ आज तक, इसमें स्वेलिंग आ जा घुटने के ऊपर तक, ठीक है नीचे ठीक। की गांठ है और घुटने के ऊपर तक जांघ में भी स्वेलिंग आ गया है जब भी चलूं, और हल्का लंगड़ाहट आ गया क्याल में। ठीक है ठीक है। आपने पहले भी फोन किया था। हाँ किया था जी, मेरी बात नहीं हो पाई उस समय, ठीक है कॉल ठीक कट गई फिर। है। हाँ देखिए, ये एक फितरी बात है कि जब हमें चोट लगती है तो वो जगह इम्प्रेस रहती है कुछ दिन। और आप एक दो चीज़ें करें कि बहुत मेहनत ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, और असली गौंद स्याह, इसे काला गौंद कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है, 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिलता है। बस आधा ग्राम रोजाना पानी या दूध के साथ ले लिया करें। एक बार जरूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं, और वजन उठाना बंद कर दें, बहुत मेहनत करना बंद कर दें। 3-4 महीने ये इलाज करें तो आपको फायदा मुमकिन है। सुनीता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी मैम। मैडम, मैं सुनीता हिसार से बात कर रही हूँ। मैडम मेरा फोन मत काट मैडम, मैम ये फोन तो बिल्कुल बात नहीं नहीं। काटा हाँ जाएगा, बताइए, सवाल करिए। मैडम, मैंने बालों से रिलेट आपसे बात की थी ये 2-4 दिन पहले मैडम। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैडम, तो मुझे इसमें परहेज पूछना था मैडम। मेरा परहेज जो बालों का इलाज पूछा मैंने, परहेज जानना था मैडम। हाँ, परहेज तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस पेट ठीक रखने की कोशिश करें, और गौंद मोरिंगा आपको लेना है 1 ग्राम रोजाना, पानी दूध या नारियल पानी से, और कब्ज नहीं होना चाहिए आपको, बस इतना ख्याल रखें, और लगातार इस्तेमाल से आपको फायदा होना मुमकिन है।